हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पहले उठ गए हैं और देखिए घड़ी घड़ी में अभी 3 बज रहा है गाइस, और 3 बजे आज हम उठ गए हैं। नातनी अभी तक सोई हुई है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम सोच रहे हैं दूध गर्म कर दें, ये डेली जो काम करती थी आज मैं कर लूँ, उसके बाद इसको उठाते हैं। तो आप चलिए बने रहिए हमारी लाइफ में, देखते हैं। पहले दूध चढ़ा देते हैं, उसके बाद इसको उठाएंगे। तो अभी सारे लोग सो रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो अभी हम पहले दूध को गर्म कर लेते हैं। आ गए हैं किचन में, दूध को गर्म करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बाद नंदनी को उठाएंगे। और ये आप देखें, दूध मैं चढ़ा दिया हूँ गर्म करने, और अब चलते हैं नंदनी को उठाते हैं। धीरे धीरे दूध अपना गर्म होगा, तब तक हम लोग नंदनी को उठा देते हैं और चल के देखते हैं। आप बने रहिए हमारी वीडियोस में। और गाइस ये आप देखें, पूरे 3 बज रहा है, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये आप देख लें, हॉल में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरे 3 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ घर में, सारे लोग सोए हुए हैं। हाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, नहीं दूध भी गर्म हो रहा है, ये आप देख लें। और अब चलिए ले चलते हैं नंदनी के पास। डेली वो हमको उठाती है, और कैसे करके उठाती है आज मैं उसको उठाऊंगा गाइस। और ये आप देख ले, कलम पाक भी पड़ रही थी वो, तो ऐसी रख दी था। अब हम इसको उठाते हैं। पूरे 3 बज रहे हैं गाइस, मैं अब उठाने वाला हूँ नंदनी को, क्योंकि डेली ये हमको उठाती थी, आज मैं उठा रहा हूँ। दूध भी गर्म कर दिया, वो आप देख ही रहे हैं। नंदनी आप देख, नंदनी उठ जाओ, उठ जाओ, 3 बज रहा है, उठो उठ जाओ। ये आप देख लें, अभी तक नहीं उठ रही है, और डेली हमको कैसे उठाती थी आप देख रहे हैं। आज उसी का बदला लेने के लिए मैं, सही बात बताऊं रात की बात, मैं सोया ही नहीं हूँ रात भर कि आज मैं उठाऊंगा। उठो उठो, सही करने है, उठ जाओ नंदे, उठो। ये आप देख लें कितना गहरी नींद में है, डेली तो हमको बोलती थी। तो आज मैं इसको उठा के ही रहूँगा गाइस, और आप लोग इससे पूछना, क्योंकि डेली ये हमको उठाती थी, आज हमको मौका मिला तो भाई इसको मैं आज उठा दे रहा हूँ। चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये देख लीजिए देख लीजिए, उठो 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 उठो, ये देख लीजिए, उठ जाओ, चलो उठो। शेरी करनी है, शेरी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, रोज़ा रखना है। तुम ये मत सोचो कि आज रोज़ा नहीं रखेंगे, चलो उठो। अब देख लीजिए गाइस, कलम पाक भी पढ़ के सिरहाने में रख दी थी, चलो उठो उठो उठो। चलो ये देखो ब्लॉग बन रहा, आज मैं फर्स्ट मार दिया हूँ। ये आप देख ले गाइस, मैं पहले उठा हूँ और आज मैं इसको उठाया हूँ। ये कैसे हो गया? क्योंकि मैं रात की बात बताऊँ, सोया ही नहीं था, मठिया हुआ था। जी हाँ ऐसा ही था, चलो उठो। और गाइस आज मैं जीत गया हूँ और ये हार गई है। तो डेली ये हमको उठाती थी, आज मैं इसको उठा दिया हूँ। आज तुम्हें किचन में भी दूध गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं चढ़ा दिया हूँ अभी, चलो उठ जाओ उठो। तो तुम कुछ बोल सकते, बोलना तुम्हें? आज पता नहीं कैसे क्या हुआ गाइस कि मेरी नींद नहीं खुली। एक्चुअली पता है हुआ क्या होगा, ये अलार्म पहले से ऑफ कर दियो। जी हाँ, क्योंकि मेरे को आज उठना था और डेली ये फर्स्ट मारती थी, आज मैं मार दिया हूँ गाइस। क्योंकि अलार्म बजता तो हम ऑटोमेटिक उठ जाते हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि मैं इसका कितना ध्यान रखता हूँ, कि दूध भी गर्म कर दिया, गर्म करने के लिए चढ़ाया हूँ, अभी गर्म हो जाएगा कुछ ही देर में। तो जब तक हम ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ मैं। अब मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। आज एक मिस्टेक हो गई, मैं इसको उठा रहा था, वैसे मेरा काम बढ़ा दिया, देखिए दूध पूरा उबलवा दिया, अब पूरा फुल था ये। ये देखिए पूछना पड़ा मुझे, तो दूध सॉरी गिर गया गाइस, और अच्छा खासा दूध गिर गया। मेरा काम बढ़ा देते हैं, आप देख ले। तो हमारी क्या गलती थी, 2 मिनट के अंदर दूध खोल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ आप बताएं। तो गाइस आज ये पहले उठ गए, और पता है उठे कैसे, क्योंकि रात भर सोए ही नहीं और अलार्म बंद कर दिए थे, इसकी वजह से मेरी नींद नहीं खुली। तो गाइस मालूम है डेली तो ये उठाती थी, तो आप देख रहे थे आज कुछ नया करना था मेरे, उसकी वजह से पता है ये दूध गर्म करने के लिए चढ़ा है, और दूध भी उबलवा दी और मेरा काम बढ़ा दिया। तो अब हम लोग हो गए फ्रेश, ब्रश ब्रश करके,
तो लाते हैं सहरी, उसके बाद मिलते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो में। पता है गाइस, आज ये बहुत सारा काम कर रहे हैं मेरा, दूध भी गर्म कर दिए, दूध को उबलवा भी दिए। ये देखिए अभी गए सहरी लाने के लिए, फिर कोई काम ना बढ़ा दें। देखिए लेकर आ रहे हैं, अल्लाह करे अच्छे से कर दें, नहीं तो फिर हमको ही करना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ा देते हैं ये। और गाइस ये देखिए, आज मैं सहरी लाया हूँ, ये रही नानी की, ये देख ले शिरमाल और दूध। थैंक यू। और ये तो आप मेरा, मेरे को तो जानते ही हैं आप कि मैं दूध और रोटी खाता हूँ, मैं अपने लिए ले लिया। आज बताइए मैं कितना काम किया हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा नाजनी का कितना ख्याल कर रखते हैं कि डेली ये मेरे उठाती थी, आज मैं इसका सारा काम कर दिया और साथ में काम भी पढ़ाती। वो तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा नहीं गाइस, हमको अंदाजा नहीं था कि एक मिनट में दूध उबल जाएगा, तो इसके लिए सॉरी। मिलते हैं खाने के बाद। और आप लोग हमारी वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम कितना इसका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। मच्छर बहुत है गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13वें दिन की सहरी कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह हमारी भी गाइस बहुत ही अच्छी सहरी हुई, अल्लाह करे हमारे सारे भाई की सहरी अच्छी मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल। और अल्लाह पाक हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, 300 रोज़ा कंप्लीट हो जाए हमारा। और अब जा रहे हैं, हम थोड़ा सा कुरान की तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद अजान होगी तो फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। और अभी लगता है कि आधा घंटा टाइम है, तब तक हम कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं। मिलते हैं फिर आपसे, बने रहिए आप हमारी वीडियोस में। गाइस हम आपको लेके चलते हैं, देखिए नाज़नीन कितने अच्छे अल्फाज में माशाल्लाह पढ़ रही है कलम पाक, ये आप सुन ले गाइस, और बहुत ही अच्छे अल्फाज में पढ़ती है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें गाइस नाज़नीन पढ़ रही है, और मैं आपको सुनाता हूँ कितने अच्छे अल्फाज में माशाल्लाह पढ़ रही है। देखिए गाइस ये फजर की नमाज पढ़ ली है और हम इससे पहले ही पढ़ लिए थे, हमारी फजर की नमाज हो गई और माशाल्लाह हम लोग की 13वीं सहरी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई, फजर की नमाज भी पढ़ लिया और बहुत ही खुश हैं कि सारा रमजान इसी तरह अल्लाह के हुक्म से पार हो जाए आराम आराम से रोज़ा रखते हुए, इससे बड़ी बात और क्या होगी गाइस आप बताएं जी। और ये आज तो आप इसको देखा, ये डेली हमको उठाती थी, आज मैं इसको उठाया और सहरी भी ले जाके दिया, मैं कितना मानता हूँ, प्लीज़ आप जरूर कमेंट में बताइए। और आज आप दिन में देखिए बहुत सारा काम है, आज थोड़ा हम इनको लेके बाहर भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और आप बने रहे हमारे व्लॉग में। अभी हो गया सोने का टाइम, सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह उठकर, थोड़ा इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है गाइस, इसीलिए बाहर जाएंगे आज उठेंगे तो। फ्रेंड्स हम लोग सोकर उठ चुके हैं 12 बजे और हम तो जहर की नमाज़ भी पढ़ ली है, नहा धो के फ्रेश होकर। और अभी पता है हमारे यहाँ गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो ये अभी उसको लगा रहे हैं। और अब तो हमारा टाइम हो गया है किचन में जाने का, तो ऐसे भी हम डेली नमाज़ पढ़ के किचन में चले ही जाते हैं दोपहर में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आइटम बनाना होता है ना, इफ्तार प्लस खाना, तो वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब मेरा टाइम हो चुका है किचन में जाने का, तो जा रहे हैं अब हम किचन में। माशाल्लाह मेरा भगना बाहुबली भगना, और ये सिलेंडर को अकेले खींच रहा है, ये आप देख सकते हैं गाइस, और बहुत ही उपद्रव भगना है ये मेरा, और बहुत ही प्यारा भगना, तो आप देख सकते हैं
ये डेली क्या कर रहा। और ये फुल सिलेंडर, आप ये नहीं सोचे कि फुल नहीं है, ये फुल सिलेंडर है। ये देख ले, अभी हम ला रहे थे चेंज करने के लिए। और ये अकेले छोड़ दो आरिफ, तुम देखते हैं गाइस, मेरा भगना, मेरा बाहुबली भगना, माशाल्लाह आप देख सकते हैं गाइस। नाज़नी क्या काट रही है, किस चीज की प्याज है नाज़नी? सब चीज की एक ही बार काट लेती हो है? जैसे में ये काफ़ी सारी प्याज काट रही है माशाल्लाह। और इसका काम जोहर बाद से ही चालू हो जाता है। और मैं अभी नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। और नज़र देखिए माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के भी अपना काम चालू कर दी। और इसको रोज़ा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, प्लीज़ बताएं कमेंट में कि नज़र को कितना रोज़ा लगता होगा। क्या नज़र, ये कद्दू है कि खीरा है क्या? वो ये कद्दू का बच्चा है गाइस। कद्दू का बच्चे का क्या बनाने वाली है आज तुम्हें स्पेशल? कद्दू के बचका से, कद्दू का बचका। और इसका कद्दू का बचका बनाएगी नाज़नी। और देख बच्चे से हम कद्दू का बचका। हाँ, और देख ले वो कितना मेहनत करती है। और दोहर बाद से ही लग जाती है गाइस, किचन में सारा इंतजाम करके बहुत सारा चीज़ छानना पड़ता है। और सब माशाल्लाह के लिए कर लेती है नाज़नी। आप देखिए कट करके फिर इसको डीप बेसन में डिप करके छानते हैं, वो बन जाता है कद्दू का बचका, जो कि लोगों को बहुत पसंद है। माशाल्लाह गाइस, मैं तो नमाज पढ़ लिया हूँ, अभी जस्ट दोहर की नमाज पढ़ा। और ये देखिए अरिफ, मेरा छोटा भगना क्या कर रहा है। और छोटा भगना साइड से, मैं हम नमाज पढ़ रहे थे तो मेरे पीछे आ गया था, और फिर उसको नमाज पढ़ के गोदी लेना पड़ा, तब जाके चुप हुआ है। और ये देखिए काफ़ी हमसे प्यार करता है गाइस, और बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही क्यूट है मेरा प्यारा भगना है। ये मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है, ये छोटा वाला। तो आप देख सकते हैं, इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, देख लो, सलाम कर दो, सलाम कर दो, सलाम कर दो, सलाम कर दो, सबको सलाम करो। और अभी ये थोड़ा गुस्से वाले मूड में, सलाम कर दो, सलाम कर दीजिए। देख सकते हैं मेरा भगना पूरा हीरो बन गया माशाल्लाह। टाटा कर दो, सलाम कर दो, सलाम कर दो, सबको सलाम कर दो। बहुत ही हीरो बन गया ये माशाल्लाह। और इसको जानते हैं चश्मा पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो आप देख सकते हैं कितना हैंडसम लग रहा है ये। और आप लोग बताइए मेरा भगना कितना क्यूट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, सलाम कर दिए, सलाम कर दिए बेटे माशाल्लाह। ये देखें तरबूजा नगमा काटना चालू कर दी है, और ये लालमी है, और भी फल निकलेगा अभी, उधर अंगूर है। तो भाई यही सब है आज की हम लोग की इफ्तार। देख लीजिए कितना कितना बढ़िया, कितना बढ़िया तरबूजा है, एकदम रेड रेड, ये आप देख सकते हैं। रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फल कोई है तो ये है तरबूज। और इसको आप लोग खाते हैं कि नहीं, ये आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लालमी अरे सकते हैं नाजे किचन में पुआ छानना चालू कर दिए गाइस, डेली के तरह बनाने में बहुत टाइम लगता है। सबसे ज्यादा सबसे पहले हम लोग पुआ ही बनता है, और पुआ डेली हम लोग बनता है गाइस, क्योंकि हमको भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इफ्तार करके बहुत बार खाता हूँ, मतलब घूम घूम के जब हमको भूख लगती है तो पुआ ही खाता हूँ गाइस। अब देखे पुआ कितना फूला फूला बन रहा है, और बहुत ही स्पेशल पुआ बनता है गाइस हमारे घर। आपको अगर इफ्तार में पुआ खाने का दिल है तो हमारे घर आ जाए गया बिहार, और यहाँ के आप जी भर पुआ खा सकते हैं, क्योंकि आप देख ले कितना ज़्यादा आटा का पुआ बनता है। आप देख ले एक केजी आटा पूरा फूलता है इसमें, इसमें इसमें बहुत सारा आइटम भी मिलता है गाइस। इसमें केला कटता है तो बहुत सारा चीज़ है, ड्राई फ्रूट है, उसके बाद मालपुआ बनता है। ये है मालपुआ हम लोग का, आपको भी मालपुआ खाना है तो गाइस आ सकते हैं। और हमारे घर का मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम रहता है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप आ सकते हैं गाइस इफ्तार में कभी। चना बन चुका है, चना बन गया गाइस, चना मेरी छोटी बहन बनाई थी, वो चना सब हम चढ़ा के गए थे, बस वो उतार दी गई। खाने में दाल चावल और आलू की भुजिया। जी हाँ, शाकाहारी खाना गाइस, और सलाद मट्ठा रहेगा। मैं इधर भी दिखाता हूँ, ये लालमी कितनी अच्छी लग रही है, और ये खाने में रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लालमी, तरबूजा, लालमी, खरबूजा, यही सब तो रमज़ान का ये है भाई। रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ यही सब, तरबूजा हो गया, लालमी। और ये तो जानते हैं अंगूर, अंगूर को ऐसे नहीं खाना है, अंगूर को आधा घंटा नमक डाल के कम से कम फुलाना है, इसलिए गले में खसखसाहट
नहीं होगी ऐसे, अभी ज़्यादातर गले में प्रॉब्लम जो हो रही है तो यही अंगूर से हो रहा है, तो अंगूर को ऐसे नहीं खाना, नमक डाल करके पानी में और इसको भिगो के छोड़ देना है कम से कम 40 से 50 मिनट, उसके बाद ही खाना है गाइस। डायरेक्ट खाइएगा तो गले में खसखसाहट होगी, तो आप ये बात जान लें और इसी तरह खाएं, ना तो गले का प्रॉब्लम हो सकता है। अंगूर में थोड़ा सा कोई केमिकल मिल रहा है, पता नहीं उसका नाम तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन हाँ जो चीज़ मालूम है वो मैं बता दिया। सर की अजान हो चुकी थी और शाहर जी पहले ही नमाज पढ़ ली, और गाइस मैं भी नमाज पढ़ लिया हूँ माशाल्लाह। मैं तो आज इनसे पहले पढ़ा, लेकिन गाइस सही बता रहे, 2 दिन से काफी रोजा लग रहा है और अब जा रहे फिर से उनकी जन्म। खैर कोई बात नहीं, जो रोजा लगता है वही रोजा होता भी है, क्योंकि बहुत सारा सामान तो बना लिए, दो ही चीज छानना बाकी है सिर्फ, और भी 2-3 चीज छानना है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप लोग हमारे ब्लॉग पे बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए। माशाल्लाह ये देखिए नाजी गरम गरम पकौड़ी बना रही है, और नाजी पकौड़ी आपको तो बहुत ही फेमस है, नाजी पकौड़ी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनाती है। और ये देखिए आज स्पेशल मैं बनाया हूँ झाल चना। आप बनाए हैं? यस मैं बनाया हूँ गाइस, बहुत ही मेहनत से देखिए मेन मेन कटिंग करके प्याज और इसमें मिर्ची, और ये बहुत ही मेहनत से मैं बनाता हूँ तो ये लोग मानती है नहीं है, तो मैं बनाया हूँ झाल चना। बहुत बड़े झूठे नहीं गाइस, रोजा रख के मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और ये देखिए नाजी पकौड़ी आपको खाना है तो ध्यान दिलाना पड़ेगा, एकदम खरी खरी पकौड़ी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनती है गाइस, हम लोग का बहुत ही अच्छी पकौड़ी माशाल्लाह एकदम बहुत ही जबरदस्त पकौड़ी छना रही है, और बहुत ही स्पेशल पकौड़ी हम लोग की होती है गाइस, ये आप देख सकते हैं एकदम खरी खरी एकदम खरी माशाल्लाह। लेकिन क्या बताएं, अभी ताला मुँह से कुछ निकल जाता है गाइस, नहीं बोल पा रहे हम माशाल्लाह। ये सब पकौड़ी मैं बना रहा हूँ, मेहनत मेरी है भाई, देख लीजिए तुम खरी खरी लगाई। ये देखे सब शेरीज अकेले लाके लगा रही है गाइस, और काफी मेहनत करती है, इधर भी लगाना शेरीज को उधर भी लगाना, बहुत ज्यादा काम रहता है ना शेरीज, शाम में शेरीज को बहुत ज्यादा काम रहता है जेंट्स लोग का। और यहाँ पे भी शेरीज अकेले ही कर रही है गाइस, ये शेरीज को देख ले, दोनों तरफ शेरीज अकेले करती है ना शेरीज, कितना ज्यादा काम है तुमको, अभी अभी बहुत लगाने, बहुत ज्यादा काम है गाइस, शरीर का भी टाइम नहीं है हमसे बात करने के लिए, तो शाम में टाइम बहुत ज्यादा रहता है गाइस, क्या बताएं गाइस। ये देखिए नाजी थोड़ा सा क्या छान रही है, ये ध्यान दें, ये कद्दू चौप है गाइस, और आपको कद्दू चौप कैसा लगता है बताइएगा कमेंट में जरूर, कद्दू चौप बहुत। ये देखिए गाइस एकदम गर्मा गर्म आलू चौप माशाल्लाह बन, कद्दू चौप था, कद्दू चौप है ना, ये कद्दू चौप बन रहा है गाइस एकदम गरम गरम, कड़ा कड़ा कद्दू चौप है माशाल्लाह, और इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। आप भी आए यहाँ पे तो बहुत सारी अफ्तारी आपको मिलेगी, कद्दू चौप तो आलू चौप तो और भी बहुत सारी, अच्छा निकल रहा है गाइस एकदम कड़ा कड़ा, और बहुत ही अच्छा कलर में हो जाता है मैरून कलर में माशाल्लाह गाइस। आज हम लोग की इफ्तार तो हो गई और मगरिब की नमाज ही पढ़ लिया, और देखिए हमारे भाई आए हैं तरावी भैया, परसों दिन इन्हीं को हम छोड़ने गए थे और उसी दिन मेरे तरावी जाने में लेट हो गया था, तो यही भाई को छोड़ने गए थे, आज फिर आ गए हैं शराधी भैया, और आज तो असर के में आए थे और काफ़ी ज़्यादा रोज़ा लगा था इनको भी, और सबसे ज़्यादा तो हमको भी रोज़ा लगा, इतना ज़बरदस्त रोज़ा लगा कि आज जितना पानी पिया उतना पानी कभी नहीं पिया था रमज़ान में, पूरे रमज़ान में। तो गाइस शराधी भैया आपको कैसा आज लगा रोज़ा बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बहुत अच्छा लगा सिकंदर के साथ ये रोज़ा, और फर्स्ट टाइम मैंने ये रोज़ा नाजनी और सिकंदर के साथ हम लोग के साथ फर्स्ट टाइम खोली ने शराधी भैया, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़। लेकिन गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे ब्लॉग को देखिए और प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए गाइस, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है रोज़ा रख के ब्लॉग बनाने में, 3 बजे से ही ब्लॉग बनाते हैं हम लोग, प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग को देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।